हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम निकले हैं बाहर और देखिए रास्ता पूरी तरह से खाली है क्योंकि आज है वीकेंड लॉकडाउन बैंगलोर में। तो आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन है लेकिन हम बाहर क्यों निकले हैं। जी बिल्कुल नहीं, हम लोग कोई घूमने नहीं निकले हैं, हम लोग लॉकडाउन एक्सपीरियंस करने भी नहीं निकले हैं। हम निकले हैं एक इमरजेंसी के लिए और लॉकडाउन के बावजूद हमें कुछ चीज़ों में छूट दिया जाता है, जैसे एयरपोर्ट जाना हो गया, फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया या दूसरे उस तरीके का कोई इमरजेंसी जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब हमारा इमरजेंसी है ये बटर्स। अब आप में से बहुत कोई इसको जानते हैं। एक्चुअली कल रात को क्या हुआ था कि ये मेरे गोदी में बैठा हुआ था तो अचानक से मुझे लगा कि मेरे हाथों में कुछ जैसे भीगा हुआ लग रहा है, तो मैंने लाइट ऑन करके देखा कि इसके पैर से ब्लड निकल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, लेकिन वहाँ पे छूने से हाथों में ब्लड आ रहा था। तो उतनी रात को हम तो डॉक्टर के पास इसको लेके नहीं जा सकते, तो हमने सुबह तक का वेट किया। उसके बाद हम इसको लेके जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास। हमने ज़रूरत के सारे पेपर्स वगैरह सब कुछ ले लिया है, अपॉइंटमेंट्स पेपर और इसके मेडिकल पेपर्स भी। ये देखिए लिफ्ट में कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे फूलों का बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है। बैंगलोर में आप कभी भी बाहर निकले दिन के टाइम में, आपको ऐसे दोनों रोड के दोनों साइड पे ऐसे बहुत सारे पेड़ दिखेंगे एंड दे लुक रियली ब्यूटीफुल। मेरा ये ब्लॉग बनाने का रीज़न ही यही था कि मैं बैंगलोर में लॉकडाउन कैसा दिखता है वो आपके साथ शेयर करूं। आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा जैसे जो लोग बैंगलोर के बाहर हैं। तो इसीलिए मैंने ये छोटा सा ब्लॉग बनाने का प्लान किया। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। एक्चुअली ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिना ट्रैफिक के 14 से 15 मिनट तक लगता है। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है इस हॉस्पिटल का एक रूल है कि कोई भी एक पेट पेरेंट्स अपने पेट को लेके ऊपर जा सकते हैं, बाकी लोगों को बाहर वेट करना पड़ता है। एक तरीके से ये अच्छा ही है हम सबके लिए क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोविड रूल्स को फॉलो करते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट पूरा ही खाली है ये जगह। ये एक बटर्स का छोटा वर्जन जा रहा है और बटर्स अपना चेकअप करके आ चुका है। और लकीली डॉक्टर ने कहा है इसका जो ऊंड है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है और इसको थोड़ा सा दवाई और ऑइंटमेंट दिया है। तो अभी हम वापस जाएंगे घर। हम तो हमेशा इसका ध्यान रखते हैं, पता नहीं कहाँ से इसको लग गया। हम जा रहे हैं वापस अभी घर और आपको रास्ते में दिखाई दे रहा होगा कि दोनों साइड रोड का ऑलमोस्ट खाली है। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो दिखा वो है डिलीवरी गाइस का बाइक, स्विगी जोमैटो डांजो इन सब का डिलीवरी लेके वो लोग निकले हैं। आपको भी वीडियो में बहुत सारा रेड कलर का टी शर्ट पहने हुए दिखेंगे लोग, वो सब डिलीवरी के लिए निकले हैं। बाकी यहाँ पे उतना ज़्यादा कोई आपको लोग नहीं दिखेंगे, बस शायद जिनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है वो लोग ही निकले हैं बाहर। बैंगलोर का रोड मुझे हमेशा ही बहुत पसंद है, ख़ास करके दिन में, क्योंकि दिन में आपको चारों तरफ ग्रीनरी और हरियाली दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारा फूल खिलता है हमेशा, कभी येलो कभी पर्पल कभी पिंक कलर का, रोड के दोनों साइड पे।
ये जो एरिया है ये है डीआरडीओ के अंदर का एरिया। यहाँ पे आप दिन में कभी भी आप आते हैं तो आपको बाहर से एटलीस्ट 2 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर कम लगेगा और आपको हमेशा एक ठंड सा महसूस होगा। ये रोड बहुत ही मतलब शांत रहता है हमेशा दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे तो और भी ज़्यादा। टेम्परेचर कम होने का रीज़न है इस रोड के दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं तो आपको हमेशा ही एक ठंड सा महसूस होगा। और हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाले हैं। और हम घर पहुंच चुके हैं और इसके पैर को मैं साफ़ कर दे रही हूँ इसी के वाइप से, क्योंकि ये तो जूता नहीं पहनता है और बाहर से आया है तो घर को साफ रखना है इसके पैर को भी, तो मैं इसीलिए इसको अच्छे से साफ कर दे रही हूँ। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।